उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य जल खेलों के लिए उचित नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। जब तक ये नियम नहीं बन जाते तब तक इन खेलों पर रोक लगा दी गई है। दरअसल ऋषिकेश निवासी हरिओम कश्यप ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 2014 में भगवती काला और वीरेंद्र सिंह गोसाई को राफ्टिंग कैंप लगाने के लिए कुछ शर्तों के साथ लाइसेंस दिया था, लेकिन उन्होंने इसका उल्लंघन किया और राफ्टिंग के नाम पर गंगा नदी के किनारे कैंप लगाने शुरू कर दिए और उस कैंप की आड़ में नशीले पदार्थों का सेवन और डीजे बजाना शुरू हुआ। गंदा पानी और कूड़ा आदि भी नदी में डाला जाने लगा था। याचिका में इन सब पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि गंगा पर बने 36 किलोमीटर की रेंज में 300 राफ्टिंग ऑपरेटर मौजूद हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 10,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार देती है। वाटर राफ्टिंग की करीब सालाना 80 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इसमें कुक, गाइड, ड्राइवरों और इंस्ट्रक्टरों सहित 5,000 से 7,000 लोगों को रोजगार मिलता है। कोर्ट का ये निर्णय उन सभी पर्यटकों के लिए झटके के रूप में साबित होने वाला है जो खास तौर पर इन खेलों का लुत्फ़ उठाने आते हैं। हिमानी उप्रेती की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।